क्षितिजल पावक गगन समीरा, आज तप्त से रचित शरीरा। नमस्कार, कृपा शक्ति के आयुर्वेद की डिजिटल दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अपने जीवन में तंदुरुस्त होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी सेहतमंद जीवन के प्रति सचेत होंगे। बंधुओं, आप रोज प्रतिदिन सुनते हैं कि फलाना आदमी हॉस्पिटल में चला गया, इस व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना है, मेरे घर वालों को डॉक्टर से चेकअप कराना है, ये दवा लेकर आना है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन सब समस्याओं से जूझता नहीं होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये समस्याएं आपके जीवन में कैसे हो जाती? आप अपनी तरफ से अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, अपनी प्रति सचेत रहते हैं, सतर्क रहते हैं, फिर भी आपके जीवन में इस प्रकार की दिक्कतें कैसी हो जाती हैं? कैसे एक निरोग शरीर जो है अचानक हॉस्पिटल के दरवाजे पहुंच जाता है। इस दुनिया में किसी की एक पंक्ति में मुझे याद आता है, एल्बर्ट ब्राउन ने कहा था कि आप अपने जीवन में खुशहाल हैं ये कैसे पता हो? तो उसका बहुत सुंदर जवाब है कि अगर आप अपने जीवन में खुशहाल हो तो उसका सीधा संबंध ये हो कि आपको हॉस्पिटल, आपको होटल और आपको कोर्ट, इन तीनों से आपके जीवन में बाधाएं ना हो। अगर ये तीनों चीज़ें आपके जीवन से बची हुई हैं तो आप सोचिए कि आप खुशहाल हैं। तो ये आपको सोचना है कि क्या आपका शरीर खुशहाल है, क्या आप जिंदगी में दवा नहीं खाते हैं, या दवा का एक सिस्टम आपके शरीर के साथ जुड़ गया है। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, वो कहते हैं महाराज जी क्या है, अब तो क्या करें, दवा के साथ ही मरना है। लेकिन आप जरा सोचिए कि जो पैसा आप दवा पे खर्च करते हैं, चाहे 2000 हो, चाहे 200 हो, चाहे 500 हो, क्या वो पैसा वापस मिल जाएगा क्या? आप वो पैसा क्यों खर्च करते हैं? क्योंकि आप ठीक हो जाए। मैं कहता हूँ अगर बिना पैसे के आपको मैं ठीक कर दूँ तो वो पैसा कम से कम आपके जीवन में बचेगा तो सही, वो पैसा आपके कम से कम काम तो आएगा किसी, लेकिन आप उसके बारे में सोचते नहीं, आप प्रतिदिन उसी काम में लगे रहते हैं, दवा खाना है, हॉस्पिटल जाना है, लैब में जाना है, ये टेस्ट कराना, वो टेस्ट कराना, सिर्फ आप पूरे दिन इन्हीं कामों में लगे रहते। मेरा मानना है कि अब जरूरी है आपको इस सब चीज़ों से बाहर निकलना, और वो तभी निकल पाएंगे जब आप चीज़ों को सोचेंगे, जब आप चीजों को समझेंगे। आज ऐसे ही प्रयोग में बता रहा हूं अलसी का। अलसी का तो आपने नाम सुना होगा, अलसी का बीज भी देखे होंगे, आपने अलसी के खाते भी होंगे, आप अलसी का प्रयोग आपने हजारों प्रकार के जीवन में किया होगा, लेकिन कुछ मैं प्रयोग आपको बता रहा हूं अलसी से संबंधित। अगर आप अलसी को सही माने में प्रयोग करें तो मुझे लगता है आप 100 साल निरोगवान रह सकते हैं, 100 साल बिना बीमारी के आप जीवन जी सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग और उसकी विधि आपको पता होना चाहिए। आजकल तो डिजिटल का जमाना है, कोई उठा के कुछ भी डाल देता है, आप उसको प्रयोग में लग जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एक सुयोग्य व्यक्ति से बात करके एक सही मार्गदर्शन के द्वारा आप प्रयोग को करेंगे तो उसका लाभ आपको कई गुना नहीं, हजार गुना नहीं, लाख गुना आपके जीवन में फलीभूत होगा। लेकिन जब भी आप उसको नहीं करेंगे फिर आपके जीवन में परेशानियों का जन्म शुरू हो जाएगा। तो पहला प्रयोग आपके जीवन में ये करना है अलसी को लेकर कि अलसी या तो आप उसको कूट लीजिए या भूंज लीजिए या उसके कण को रब कर लीजिए, जैसे मिक्सिंग में आप उसको पीस लीजिए। ये कई प्रकार के अलसी के साथ आप प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन जो मैं सबसे सुंदर आपको प्रयोग, आसान तरीका का प्रयोग बता रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। जो आप आटा खाते हैं, जिसकी आप रोटी खाते हैं, उस रोटी में जो आटा आपने, कोई भी आटा आप घर में लाए हो, उसमें क्या करना है, अलसी को कूट कर, कम से कम 5 ग्राम अलसी को कूट कर उस आटे के अंदर डाल दीजिए और उस आटे को फेंट दीजिए, मिक्स कर दीजिए, वो उसी आटे की रोटी बनाकर आप खाना शुरू करें। जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है उनके लिए इससे रामबाण कोई औषधि नहीं है। एक तो आपकी पेनक्रियाज को एक्टिव करेगा, पेनक्रियाज के साथ साथ आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएगा। जिन लोगों को हृदय से संबंधित दिक्कत है उन लोगों को अलसी का प्रयोग कैसे करना चाहिए, उन लोगों को अलसी का प्रयोग ऐसे करना चाहिए कि कम से कम 10 अलसी के बीज लेकर जीवा पे रखना है, ऐसे टंग के ऊपर रख के, और उसको कच्चे, मतलब उसको बिना कूटे उटे उसको निगल जाना है बॉडी के अंदर, जिन लोगों को हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है। और ये प्रयोग आपको सिर्फ सुबह के समय पर करना है,
ध्यान रखें खाली पेट, उसके एक घंटा पहले और एक घंटा बाद कुछ भी नहीं आपको खाना है, ऐसे निगल जाना है आपको अलसी। जो आपकी रक्त धमनियों की प्रॉब्लम है, जो आपको बार बार हार्ट बीट बढ़ रहा है, बार बार आपको डॉक्टर कह रहा है आपको स्टंट डालना है, इस सभी प्रकार के समस्याओं से आपको पीछे छुटा देगा। तीसरा प्रयोग मैं अलसी का बता रहा हूँ, वो प्रयोग आप सुनिए, उन लोगों के लिए है जिनको शारीरिक दुर्बलता है, यानी शारीरिक जिनको कमजोरी है, पौरुषार्थ उनके जीवन में कम है, उनको अलसी का प्रयोग कैसे करना चाहिए? उनको ये प्रयोग करना चाहिए, कम से कम 5 ग्राम अलसी कूट कर और मिश्री जो मार्केट में मिलता है उसके साथ अलसी और मिश्री को कूट कर आपको दोपहर के समय जब आप लंच कर लें तुरंत बाद एक जैसे सौंफ खाते हैं ऐसे मुंह में डालकर और पानी आपको पी लेना है। जिनको पुरुष के संबंधित ताकत की कमजोरी है ये आप प्रयोग करिए। मैं कहता हूँ जितनी भी कमजोरी आप प्रोटीन पाउडर खाते हैं, ये पाउडर लेते हैं, वो पाउडर लेते हैं, सबका ये जड़ से आपको छूट जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब ठीक हो गया। ये 3 प्रयोग अलसी का इतना सुंदर है, आप इसको प्रयोग करिए और फिर मुझे बताइए आपके जीवन में कितना बेहतरीन आपको लाभ पहुँचा। और उम्मीद है इस कृपा शक्ति के माध्यम से आप तमाम चीज़ों को अपडेट भी रहते होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप कृपा शक्ति के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और कृपा शक्ति के डिजिटल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके जीवन में एक बेहतरीन टाइम आप सबके लिए आए। नमस्कार। अपने रोगों को ठीक करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।